नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A74 5G वर्सेस Samsung Galaxy F62 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A74 5G में 6.41 इंच जबकि Galaxy F62 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A74 5G में 2.94 इंच जबकि Galaxy F62 में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A74 5G में 0.33 इंच जबकि Galaxy F62 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo A74 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A74 5G में 188 ग्राम जबकि Galaxy F62 में 218 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A74 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Oppo A74 5G में IPS LCD जबकि Galaxy F62 में Super AMOLED Plus की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A74 5G में 6.5 इंचेस जबकि Galaxy F62 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A74 5G में 83.83% जबकि Galaxy F62 में 86.66% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A74 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy F62 में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A74 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy F62 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A74 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy F62 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A74 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Galaxy F62 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo A74 5G में Adreno 619 जबकि Galaxy F62 में Mali G76 MP12 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A74 5G में Qualcomm Snapdragon 480 और Galaxy F62 में Samsung Exynos 9 Octa 9825 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A74 5G में 6GB जबकि Galaxy F62 में 8GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo A74 5G में अप टू 256GB जबकि Galaxy F62 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Oppo A74 5G में 5000mAh जबकि Galaxy F62 में 7000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Oppo A74 5G में 2 कलर्स जबकि Galaxy F62 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ओप्पो A74 5G की 17,990 रुपीस जबकि गैलेक्सी F62 की 18,499 रुपीस प्राइस है, जो कि ओप्पो A74 5G से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो A74 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी F62 की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी F62 आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी F62 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में गैलेक्सी F62 आगे है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी F62 आगे है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme Nazo 30 Pro है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 Pro है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M42 5G है जो कि 21,950 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।